वुसतुल्लाह खान की तहरीर कुर्रा-ए-अर्ज जरूरी मरम्मत के लिए बंद है। जिस खिड़की के करीब बैठकर मैं लिखाई पढ़ाई का काम करता हूं, उस खिड़की के बाहर कोने में चिड़िया ने आज अपना घोंसला मुकम्मल कर लिया। उसके साथ 8-9 सहेलियां और एक तोता मुबारकबाद देने आए हैं। एक चहचहाती हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही है। हालांकि ये सब मुझे देख रहे हैं, मगर इनकी चूं चूं और टैंटे में कोई वहशत नहीं। वैसे भी कमरे में मुकैद जानदार से किसी को क्या डरना। फैज साहब जब तख्त गिरा रहे थे और ताज उछाल रहे थे, या फिर वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे लिख रहे थे, तो उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन ये नज़में इंसान के सिवा कुर्रा-ए-अर्ज के हर जानदार और ताजा हवा को तरसते आसमान का तराना बन जाएंगी। पिछले 2-3 माह से जो हो रहा है शायद इस जमीन पर पहले कभी नहीं हुआ। जिसे हम तरक्की का कारखाना समझ रहे थे, उसके पहिए को एक नादीदा दुश्मन ने रोक दिया। 200 से जायद लकीरें जो इंसानों को रोकने के लिए पासपोर्ट और वीजे के स्पीड ब्रेकर्स बनाकर इस जमीन पर खींची गई थीं, यकलख्त बेमानी हो गईं। क्या अमरीका, क्या सोमालिया और क्या मक्का, क्या हरिद्वार, वेटिकन और क्या दीवारें गिरिया, सब एक ही सफ में कान पकड़कर खड़े कर दिए गए हैं। सुनते आए थे कि जागीरदार को जब किसी मौजिज हरीफ की इज्जत खाक में मिलाना होती तो गांव के सबसे निचले रानदाय दरगाह शख्स से सरेआम जूते लगवाता था, ताकि ये किस्सा नस्ल दर नस्ल याद रहे। आज फितरत एक घटिया वायरस के हाथ में जूता पकड़ाकर अशरफुल मखलूकात का वही हशर कर रही है, और जिसे जूता पड़ रहा है वो ये भी नहीं कह सकता कि वो इसका मुस्तहिक नहीं। सुना है अब तक आलमी स्टॉक मार्केट में 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर पानी हो गए। जाने इन 3 ट्रिलियन डॉलर्स में से कितनी रकम ईमानदारी से कमाई गई होगी, और कितना पैसा कितने लोगों का खून चूसकर, कितने करोड़ दरख्त काटकर, कितने लाख एकड़ जमीन रेप करके, कितने बच्चों का दूध और निवाला छीन कर, कितनी जखीरा अंदोजी और मिलावट करके, कितना सूद वसूल करके और कितनी मेहनत से करप्शन करके जमा किया गया होगा। आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज और अजनास की मंडी के साथ मजीद क्या होने जा रहा है, सब वक्त की दीवार पर लिखा है। जिस दुनिया के आधे वसाइल और दौलत 100 इंसानों या उनकी कंपनियों के कब्जे में हों, ऐसी जन्नत शद्दाद कैसे किसी दीदा और नादीदा दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन सकती है। एक एक इंच जमीन के लिए लाशें बिछा देने वाले, एक दूसरे से खौफजदा होकर असलहे के अंबार लगाने वाले और हर हाथ में बंदूक पकड़ा देने के ख्वाहिशमंद, एक दूसरे की मंडियां अगवा करने वाले मंसूबा साज, अपने अकीदे और अकदार को दूसरे पर थोपने और इनकार की सूरत में बस्तियां ताराज कर देने वाले, जंगली हयातियात को बेघर करने वाले, तरक्की और खुशहाली के शराब के असीर होकर फितरी बका के बुनियादी उसूलों की धज्जियां उड़ाने वाले और अपने तबकाती मजहबी सकाफती तहफ्फुज के धोखे में दीवारें बुलंद तर करके उनके पीछे छुपने वाले और अपने समेत हर मखलूक को अदना व बरतर में बांटने वाले, आज उन सब के मुखिया कह रहे हैं कि अगर 2.5 करोड़ लोगों की कुर्बानी लेकर भी यह वायरस टल जाए तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए समझना कि सौदा बुरा नहीं। मुझे हरगिज अपनी जाति के बारे में खुशगुमानी नहीं कि जो बच गए वो अपने लक्षण ठीक करके बंदे दे पुत्तर बन जाएंगे और कुर्रा-ए-अर्ज पर दीगर हयातियात और नबातात और मादनियात के साथ पुरअमन बकाए बहामी का मुआहिदा कर लेंगे। मेरी जाति इस वक्त जितनी मजलूम टिपाई दे रही है, दरअसल इससे कहीं ज्यादा जालिम है। फिलहाल तो मैं अपनी खिड़की के बाहर आदमी के खौफ से आजाद घोंसला बनाने वाली चिड़िया और उसकी उछलती फुदकती हमजोलियों की चहचहाती खुशियों में मगन हूं, और उस खिड़की भर आसमान को जी भर के देख रहा हूं जो जाने कब से खालिस नीला दिखने के लिए तरस रहा था। कुर्रा-ए-अर्ज इस वक्त जरूरी मरम्मत के लिए बंद है। मेरे मुकैद हुए बगैर ये भला कहां मुमकिन था।